अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, ये सभी कंपटीशन के अंदर आएगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करना होता है आज आपको पहला पेपर लेके बता रहा हूँ बच्चों। तो आज का जो है टेस्ट पेपर फर्स्ट होगा बच्चों, जिसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर कैसे देना बोर्ड के एग्जाम में वो बता रहा हूँ मैं बच्चों। ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं है, जो भी आपके रिटर्न वर्क होगा चाहे ऑप्शन वाला सवाल होगा, तो आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है इसके अंदर, मैनेज कैसे करना वो चीज आपको इसके अंदर मैं बता रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट टेस्ट पेपर है, ऐसे आपको जो है हर बार टेस्ट पेपर मिलता रहेगा। कम से कम आपको 1000 टेस्ट पेपर दूंगा, जिसमें जी मेन्स है, सी है, सी पी टी है, आई आई टी है, जी मेन्स है, आर पी एस है, एस एस सी है, जो भी ऑल इंडिया की जितनी भी कंपटीशन है सभी कंपटीशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब कराइए, और आपने नहीं किया तो आप भी करें, और अपने दोस्तों को भेजें, अपने पेरेंट्स को कहें, स्टेटस पे लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब होगा, तो आगे टेस्ट पेपर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने इसका सॉल्यूशन भी कर लिया तो मैं 100% आपको कहता हूं कि नंबर तो आएंगे, सिलेक्शन भी आपका होगा अगर आपने इसको भी करते रहे तो। रोज के क्वेश्चन आपको हर टेस्ट पेपर मिलता रहेगा, जितना आप पास करोगे उतना ही आपको जल्दी टेस्ट पेपर मिलता रहेगा नेक्स्ट पेपर। और इसको आप अपनी कॉपी में लिख के सॉल्यूशन करिए, या आपके अभी नहीं बीएससी में भी आगे भी नेक्स्ट काम में आएंगे। अभी तो बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप बच्चे सभी टेंशन में, तो टेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप आज पेपर लिखिए अपनी कॉपी में, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, उस पेपर को सोल्व करिए और नेक्स्ट पेपर जल्दी आपको मिलता रहेगा। तो देखिए बच्चों, पहला टेस्ट पेपर आपके पास है जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे ऑल कंपटीशन के भी होंगे। अभी 12th बोर्ड को ध्यान देते हैं, बोर्ड की बात करें अपन, बोर्ड में भी काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। 100% मार्क्स आपके पास आएंगे, जी मेन्स, एनडीए, सीपीटी, आरपी, सेंट सोन, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, फाइंड वैल्यू 3 cos inverse 1/2 + 2 sin inverse। आपको इसकी कॉपी में आंसर कैसे लिखना है, यहाँ लिखेंगे आप आंसर बच्चों। आंसर लिखने के बाद 3 cos inverse 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है बच्चों, +2 × π/6। तो आपने इसको 3 × 3 × 3 किया, ये π/3 है बच्चों, π + π/3 = 2π/3। केवल आपको आंसर इतना लिखना है बच्चों, इस तरह से आप मैनेजमेंट करिए, मैनेज करिए अपने टाइम को। ये लिखना है आपको एक नंबर के सवालों के आंसर में, इससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, फाइंड वैल्यू sin inverse sin 2π/3। आप क्या लिखेंगे, 2π/3। पहले इसको लिखिए बिलोंग्स टू 0 से, क्या, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2, ऐसा आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। आपने देखा 90 से -90 तक है, -90 से इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आंसर लिख रहे हैं बच्चों अपन साथ साथ यहाँ पर इसमें, तो आप क्या करेंगे, sin 2π/3 को आप अलग लिखेंगे, sin π - π/3 = sin π/3, ठीक है, क्योंकि सेकेंड वाले में पॉजिटिव होता है। तो ये जो वैल्यू है बच्चों वो इसके अंदर आनी चाहिए, जैसे आएगी वही आपका आंसर। तो क्या है आंसर बच्चों, sin π/3 = π/3 आंसर, ऐसा आपको लिखना है। ये एक नंबर का, दो नंबर में तो और भी बड़ी अच्छी बात है, 3 में तो भी और अच्छी बात है, ऐसा आपको लिखना है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, डिटरमिनेंट का है, 3 − 3x = −3 − x, क्या लिखेंगे आप, 3 × 3 = −3 को इधर ट्रांसफर किया, इधर 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। केवल ये लिखना है, वी नो दैट डिटरमिनेंट है, कुछ भी नहीं लिखना आपको, केवल आंसर इतना देना है। टाइम मैनेजमेंट करिए, क्योंकि क्वेश्चन अब ज्यादा आने लग गए हैं, पास करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx, आपको क्या लिखना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों, x का डिफरेंशियल 1, y का dy/dx, y का 0 हो गए बच्चों, तो dy/dx क्या हो गए बच्चों, 1 आंसर आपके पास आ गया। कोई सा भी सवाल हो अभी नेक्स्ट पेपर में मिलते रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब कराइए और देखिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, sec²x / cosec²x, साइन कोस में चेंज करो बच्चों, ये 1/cos²x, ऊपर चला गया sin²x dx, बराबर क्या है बच्चों, tan²x, tan²x को क्या लिखेंगे आप, sec²x - 1। अब sec²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x - x + c, ये लिखना आपको केवल बोर्ड की कॉपी के अंदर, 30 शब्दों में मैक्सिमम, 30 वर्ड्स में आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए जो कि इसके अंदर है। अब देखो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, e^(x)/(x−), तो आपको क्या लिखना है, e^(x) + f′(x), ठीक है, dx। अब इसका डेरिवेटिव ये है, आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या आ गया, e^(x) + f(x) + c,
अब देखो बच्चों यहाँ पर, यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है, वन अपॉन एक्स है ना, तो एफ बेस एक्स क्या हुआ, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, सो इसका आंसर आ गया e की पावर x वन अपॉन एक्स प्लस सी, ये लिखना है। अगर ये चार नंबर में आएगा तो भी आपको ऐसा लिखना है, वन मार्क्स में आएगा तो भी ये लिखना है, ऑप्शन में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास। तो इस तरह से देखा अपने बच्चों, छह क्वेश्चन के छह मिनट भी मिलेंगे आपके, आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए, बार बार देता रहूंगा टेस्ट पेपर, 1000 टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसमें जीमेल सीपीटी सीए एंड सोन जो भी आप कंपटीशन ऑल इंडिया का देंगे 100% बोर्ड में तो आएंगे आएंगे नंबर आपके पास, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ एक्स बराबर माइनस फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, कैसे करना है बच्चों। मैक्सिमम मिनिमम के लिए पहले आप इसका एफ एक्स करेंगे, कर दिया, क्या है इसका डेरिवेटिव, माइनस टू एक्स माइनस दस, क्यों एक्स का वन और दस का जीरो हो गया, तो क्या है आंसर, आंसर क्या, माइनस टू एक्स प्लस दस आ गया बच्चों। अब आप क्या करेंगे, नाउ एफ डेस एक्स बराबर जीरो, क्या एक्स बराबर क्या गया बच्चों, पांच, टू एक्स बराबर दस, तो एक्स बराबर क्या गया बच्चों, क्या है देखो, टू एक्स बराबर माइनस दस, तो एक्स बराबर आ गया माइनस पांच, ये आ गया बच्चों। अगेन डेरिवेटिव करोगे आप इसका, एफ डबल डेस एक्स आया, माइनस टू एक्स का माइनस टू आया। अब आप इसमें पुट करोगे एक्स बराबर माइनस पांच, माइनस पांच पुट किया आपने, पुट किया तो क्या है बच्चों, एफ डबल डेस माइनस पांच बराबर माइनस टू जो कि जीरो से छोटा है, लेस देन है, तो लेस देन है तो एक्स बराबर माइनस पांच क्या होगा इसका, मैक्सिमम पॉइंट, आगे मैक्सिमम पॉइंट, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो बच्चों इसमें एक ही पॉइंट आया है तो मिनिमम नहीं हो रहा, क्यों, कुछ बच्चे चाहते हैं साहब मैं तो मिनिमम में रहना चाहते हैं, आप कितना अच्छा पढ़ा लो, तो वही बात फंक्शन में भी बच्चों, तो ये मिनिमम नहीं हो रहा, ये मैक्सिमम हो रहा, तो मैक्सिमम होगा है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस पांच रखो उसमें, माइनस पांच, माइनस पांच माइनस दस माइनस पंद्रह, माइनस पंद्रह का स्क्वायर 225 और प्लस दस तो माइनस का 215 इसका आंसर आ गया बच्चों। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करो, 2 आया x माइनस 10, ब्रैकेट को खोला, माइनस 10x, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 20 आया, तो यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस 10, माइनस 10 रखेंगे बच्चों, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा माइनस 10 रखने पर, तो आपके पास यहाँ पर माइनस 10 रखा, 10 10 20 100, 20 20 का स्क्वायर 400, 400 तो आपके पास 400, तो आपके पास आ गया माइनस 390, अभी मिस्टेक हो जाती है आपके पास, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसा अपने को जल्दीबाजी नहीं करना है। ये 2 नीचे आया, माइनस 2x प्लस 20 आ गया, बराबर 0 किया, x की वैल्यू माइनस 10 आई, अब इसका अगेन डेरिवेटिव किया, पॉइंट को रखा, 0 से लेस देना आ गया, हर सवाल ऐसा होगा मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 390, ठीक। अब इफ डायरेक्शन देखो, 3 माइनस 4 5, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल बराबर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, चार का माइनस चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, 3 बटे में रूट 50, तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस लगाते हैं, जो कि आपको नहीं लगाना है, प्लस माइनस नहीं लगेगा, ओनली जो साइन है वही लगेगा। एन बराबर आ गया माइनस चार बटे रूट 50, एन बराबर आ गया 5 बटे रूट 50, ठीक है, यह आएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो अधिकतर सवाल आता है बच्चों बोर्ड के एग्जाम में कॉम्पिटिशन में, इसलिए ध्यान देना, एल बराबर ये अपॉन इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर दोगे। नेक्स्ट, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कैसे आप करेंगे बच्चों, दो मेथड है, एक तो डॉट वाला एक क्रॉस वाला, तो बच्चों डॉट वाला करना चाहिए ताकि आपको इजी पड़ेगा, क्या कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ए डॉट बी क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा बराबर थ्री आई 3 प्लस का 4 और प्लस का 3 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 8, 4 3 7 3 10, 9 6 13 1 14, 9 6 13 1 14 14 आ गया बच्चों, तो थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, कोस इनवर्स 2 बटे में ये 5 बटे में 7, ये आंसर आ गया बच्चों। ऐसा करना अपने को, क्या कोस थीटा बराबर ए डॉट बी, आप चाहो तो साइन थीटा का भी लगा सकते हैं, साइन थीटा का थोड़ा लेंथी होगा,
इसलिए हमेशा ध्यान रखिए आपको टाइम का बचाना है तो आपको ऐसा करना है। ये वीडियो कई बच्चे यही छोड़ देते हैं, आंसर नहीं बच्चों आंसर ये इसका, ठीक है। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन है, ए वेक्टर का मोड बराबर 2, बी वेक्टर का मोड 3 और ए रूट बी बराबर 4, क्या करें? फाइंड वैल्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, पहले यहाँ पर होल स्क्वायर खोलना है इसका, क्या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ये इसका होल स्क्वायर खुलेगा बच्चों। अब देखो देखो मोड ए का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस a डॉट b कितना 4, तो 2 इंटू 4, ठीक है, 9 4 13, 4 2 8, 7 आ गया बच्चों, 8 5 13 5 आ गया बच्चों। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मोड कितना है बच्चों, रूट 5। यहां प्लस लगेगा माइनस नहीं लगेगा, अगर गलती से आपने प्लस माइनस लगा दिया तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर गए क्यों, मोड है, मोड का मतलब है नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना। तो बच्चों यह 10 क्वेश्चन दिए हैं, हर टेस्ट पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज कैसा लगता है आप इसको कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपकी लाइफ को चेंज करिए बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को करिए, अगले नेक्स्ट पेपर में आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, फिर नेक्स्ट पेपर में सॉल्यूशन दूंगा, इस तरह से आपको करते रहना है, जो बेस्ट लगे वो हिसाब बताते रहिए।